जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सुखोई फाइटर से पहले आईएनएस दिल्ली से किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का बिना वॉरहेड के परीक्षण। इंडियन आर्मी की AK-47 राइफल्स को अपग्रेड करने के लिए ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से अपग्रेड किट का पहला कंसाइनमेंट हुआ डिलीवर। DRDO के फूफा प्रोग्राम में IIT कानपुर करेगा मदद। भारत की स्टार्टअप कंपनी ऑस्ट्रेलियन UAV टेक्नोलॉजीज के साथ स्थापित करेगी एक जॉइंट वेंचर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने टारगेट से ज्यादा स्पेंड किया है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज पर। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने सुखोई Su-30MKI फाइटर से कल 19 अप्रैल को ईस्टर्न सीबोर्ड पर ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और इस टेस्ट के दौरान टारगेट के तौर पर इंडियन नेवी की एक डी कमीशन शिप इस्तेमाल हुई थी और जिसे ब्रह्मोस मिसाइल ने डायरेक्ट हिट के साथ डिस्ट्रॉय किया था। और कल का जो मिशन था ये इंडियन नेवी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के तहत कंडक्ट किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि कल के ही दिन यानी कि 19 अप्रैल को ही इंडियन नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली से भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट फायर की गई थी और ये इंडियन नेवी की INS दिल्ली से ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण था। और इस परीक्षण की एक खास बात ये भी थी कि इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। और इंडियन नेवी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को वैलिडेट किए जाने के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी डेमोंस्ट्रेट की गई थी। और एक सबसे खास बात यह है कि इस टेस्ट के दौरान भी उसी सेम डी कमीशन शिप का इस्तेमाल किया गया जिस पर इंडियन एयरफोर्स ने भी ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट करी थी। और कल जो ब्रह्मोस मिसाइल के दो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं तो इन दोनों ही टेस्ट में मिसाइल ने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जो ब्रह्मोस मिसाइल INS दिल्ली से लॉन्च की गई थी उसमें कोई वॉरहेड नहीं लगा था और उस बिना वॉरहेड वाले ब्रह्मोस मिसाइल ने उस डी कमीशन शिप पर जो कि टारगेट के तौर पर इस्तेमाल हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा होल कर दिया था। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल बिना वॉरहेड के भी कितना डेडली साबित हो सकती है तो इस बात का डेमोंस्ट्रेशन तो शायद हम सभी देख ही चुके हैं। पर खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो वहीं उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30MKI फाइटर से जो ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट फायर की गई थी वो वॉरहेड के साथ थी और फिर उस मिसाइल के डायरेक्ट हिट के साथ डी कमीशन शिप डूब गई थी। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट किया जाना बेहद ही मुश्किल है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि निकट भविष्य में इस मिसाइल के और भी लॉन्चेस किए जाएंगे। और कल के टेस्ट में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का क्लोज कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला था। वैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने डीकमिशन शिप को डायरेक्ट हिट किया तो उसी तरीके से आप भी वीडियो के लाइक बटन पर डायरेक्ट हिट करके उसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अब आगे जो और न्यूज आने वाली है वो और भी कमाल की है। तो जैसे कि तय था, आज 20 अप्रैल को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पर आधारित भारत के कलवरी क्लास सबमरीन की छठी और आखिरी सबमरीन INS वक्षीर को आज मुंबई में एक खास समारोह के दौरान लॉन्च कर दिया गया है। और अब जो INS वक्षीर है ये अपने समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार है और फिर उनको पूरा किए जाने के बाद ये जो सबमरीन है ये अगले साल तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जाएगी। और आज इस सबमरीन को डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है। और इस सबमरीन के लॉन्च सेरेमनी को संबोधित करते हुए डिफेंस सेक्रेटरी का कहना था कि सबमरीन का लॉन्च होना भारत की आत्मनिर्भरता का एक और अच्छा उदाहरण है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS वक्षीर का जो ये नाम है वो एक सैंड फिश के नाम पर रखा गया है जो कि इंडियन ओशन की गहराइयों में पाया जाने वाला एक डेडली डीप सी प्रेडेटर है। और इसलिए अपने नाम के अनुरूप वक्षीर की तरह ही जो ये INS वक्षीर सबमरीन है तो ये भी हमारे देश के मैरिटाइम इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हुए हमारे दुश्मनों के लिए एक बेहद ही पावरफुल और डेडली प्रेडेटर की तरह साबित होगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि INS वक्षीर को ऑपरेशंस के सभी थिएटर्स पर ऑपरेट करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये एक ऐसा पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि सबमरीन ऑपरेशंस में एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट लाएगा। और वैसे आपको बता दें कि इस कलवरी क्लास की जो पांचवी सबमरीन थी INS वगीर तो उसके समुद्री परीक्षण ऑलरेडी चल रहे हैं और इस सबमरीन को इस साल के अंत तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाना है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा एक बहुत ही कमाल का अपडेट सामने आया है और वो यह है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म ट्रिपल एस डिफेंस ने इंडियन आर्मी की AK-47 राइफल्स के लिए उनके द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाई गई मेड इन इंडिया अपग्रेड किट्स के पहले कंसाइनमेंट को डिलीवर कर दिया है। और AK-47 की अपग्रेड किट्स का जो ये पहला कंसाइनमेंट है ये इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के लिए डिलीवर किया गया है। और इस अपग्रेड किट के बारे में लिफिस डिफेंस की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इसमें शामिल है एक न्यू टैक्टिकल बटर स्टॉक, न्यू गैस ट्यूब, क्वाड रेल फोर्स एंड एक फ्लैश सप्रेसर। इनके अलावा इस अपग्रेड किट के साथ ही AK-47 राइफल में फुल लेंथ रेल के साथ ऑप्टिक को भी माउंट कर सकते हैं और जबकि बॉटम रेल में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर को भी। और इतना ही नहीं बल्कि ट्रिपल एस डिफेंस के मुताबिक उनके इस अपग्रेड किट के साथ AK-47 राइफल का जो रिकॉयल रहता है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा और साथ ही साथ ये AK सिस्टम के उस क्लासिक पुल अप टू द राइट ट्रेडिशनल को भी कम करता है। और आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये अपग्रेड किट है ये खास करके AK-47 राइफल को और भी अधिक यूजर फ्रेंडली बनाएगी और भी अधिक एगोनॉमिक बनाएगी
और वो भी बिना उसकी फायर पावर पर कोई असर डाले। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अपग्रेड किट के साथ AK-47 की जो जबरदस्त फायर पावर होती है वो तो वैसी रहेगी, लेकिन उसे पहले के कंपेयर में ऑपरेट करना और आसान हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रक्षा मंत्रालय ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल एक्विजिशन बजट का 64% हिस्सा निर्धारित किया था और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंत में रक्षा मंत्रालय अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को हासिल करने के लिए भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से स्वदेशी खरीद पर कैपिटल एक्विजिशन बजट का 65.50% हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जितना हिस्सा तय किया गया था उससे ज्यादा ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जबकि मार्च 2022 की शुरुआती एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में डिफेंस सर्विसेज बजट का 99.50% हिस्सा यूटिलाइज करने में सक्षम है। यानी कि आसान शब्दों में इस पूरी स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब बस यही है कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को प्रमुख बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत उद्देश्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी भी है। और इसके अलावा ये भी सामने आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन आर्मी ने सबसे दिलचस्प तरीके से अपने बजट को यूटिलाइज किया था, जिसके तहत आर्मी के कैपिटल बजट का 82% तक का हिस्सा इंडियन आर्मी ने डोमेस्टिक वेपन सप्लायर्स पर खर्च किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चेन्नई बेस्ड एक डिफेंस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज, तो इस इंडियन स्टार्टअप ने ऑस्ट्रेलियन यूएवी टेक्नोलॉजीज के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत दोनों कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी को स्थापित करेंगे और फिर इस जॉइंट वेंचर के तहत दोनों एंटिटीज संयुक्त रूप से मिलकर अनमैन्ड सिस्टम पर एक जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इनेबल रहेगा। और हॉकिंग डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो वेंचर है ये उनके ऑर्गेनाइजेशन को अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज में और भी एडवांस होने में मदद करेगा और साथ ही साथ इसके माध्यम से हम इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस और सर्विसेज ला सकेंगे और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। इन सबके अलावा एक अपडेट है भारत के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में फूफा के नाम से जानते हैं। और DRDO का ये फूफा प्रोग्राम जो कि पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था, तो अब इसके इंटेक और नोजल्स को डिजाइन करने के लिए DRDO ने IIT कानपुर की मदद मांगी है, जो कि DRDO को इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगी। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि DRDO के इस प्रोग्राम का नाम सबसे हटकर है, लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर भविष्य में इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एयर स्ट्राइक में किया जाता है तो फिर ऐसे में न्यूज हेडलाइन क्या बनेगी। क्या हम आपको ये बताएंगे कि सीमा के पार मौजूद लॉन्च पैड पर जो सुअर हैं उनको भारत के फूफा ने होरिफाइड कर दिया। और ऐसी स्थिति में आपके हिसाब से हमें और ऐसी कौन कौन सी यूनिक हेडलाइंस देखने को मिल सकती हैं, तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। आज इंडियन नेवी और L&T के बीच एक MOU साइंड हुआ है और इस MOU का उद्देश्य है इंडियन नेवी में इंडक्शन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजीज के पोषण के लिए L&T को एक नॉलेज पार्टनर की तरह एंगेज करना। और इस MOU में इलेक्ट्रिकल वेपन इंजीनियरिंग मशीनरी एंड कंट्रोल और नेवल वॉरशिप के हल से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि कल गुरुवार से यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूके के प्रधानमंत्री अपने इस भारत यात्रा के दौरान भारत के रशियन ऑयल पर से निर्भरता को कट करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। और केवल रशियन ऑयल ही नहीं बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भी ब्रिटेन की तरफ से कुछ नए ऑफर्स भारत के लिए पेश किए जा सकते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आखिर ब्रिटेन के पास ऐसा क्या है जिससे वो भारत की रशिया पर से निर्भरता कम कर सके, क्योंकि अगर बात आएगी ऑयल की तो यूके के पास इतना तेल तो है नहीं कि वो भारत को दे सके। और अगर बात आएगी डिफेंस इक्विपमेंट की तो उसमें भी यही सेम केस अप्लाई होता है कि यूके के पास उस तरह की इक्विपमेंट होनी भी चाहिए जो भारत को चाहिए। और इसलिए ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किस तरह का प्रस्ताव भारत के लिए पेश किया जाता है। रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों में US प्रेसिडेंट यूक्रेन के लिए करीब $800 मिलियन तक की और अतिरिक्त सैन्य सहायता की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा UN की तरफ से कहा गया है कि जब से रशिया ने यूक्रेन में हमला किया है तब से लेकर अभी तक 5 मिलियन से अधिक यूक्रेनियंस अपने देश को छोड़ चुके हैं और यूरोप में ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिफ्यूजी क्राइसिस होने वाली है। वहीं यूरोपियन यूनियन के प्रमुख की तरफ से आज कहा गया है कि इतिहास उन वॉर क्राइम्स को नहीं भूलेगा जो कि यूक्रेन में किए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह सामने आया है कि टाटा स्टील ने अपनी स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि उन्होंने रशिया के साथ अपने बिजनेस को रोकने का फैसला लिया है। और वहीं जापान ने रशिया के मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को वापस ले लिया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2001 में BSF के 16 वीर जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2006 में भारत ने अपने पहले फॉरेन मिलिट्री बेस को तजाकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसे हम फारकोर एयरबेस के नाम से जानते हैं।
आज के दिन 2012 में भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण आयोजित किया था। और भारत के इस टेस्ट को लेकर अमेरिकन मीडिया ने ये लिखा था कि भारत ने अपने अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ अपने आप को अपने पड़ोसी देश चीन के बराबर खड़ा कर दिया है। बाकी आज का ही वो दिन है जब 2011 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने PSLV से 3 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया था। और ये मिशन इसरो के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले इसरो GSLV के लॉन्च में लगातार 2 बार असफल हुआ था और इसी वजह से इसरो के लिए ये कामयाबी बेहद ही अहम थी। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल कि अभी वर्तमान समय में भारत के विदेशों में कितने मिलिट्री बेस हैं और कहां कहां पर। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।